ಆತ್ಮೀಯ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸೋ 1ರಿಂದ 9ರ ಪಾಠಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೋ ಇದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇತ್ತು. ಸೋ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಸರಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸೋ 1 ಅಂಕದ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ಅನುರೂಪತದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು. ಸೋ ನೋಡೋಣ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ತುಂಬ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಾವೆ ಮುಂದಿನ ಪಾಠಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೈನ್ ಅಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇತ್ತು, ಕವಿ ಕಿಸೇ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್, ಕವಿ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕೋ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ. ಭಾರತ್ ಮಾ ಕೆ ಹಾಥೋ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಭಾರತ್ ಮಾ ಕೆ ಹಾಥೋ ಮೇ ನ್ಯಾಯ ಪತಾಕಾ ಔರ್ ಜ್ಞಾನ ದೀಪ ಹೈ. ಆಜ್ ಮಾ ಕೆ ಸಾಥ್ ಕೌನ್ ಹೈ, आज माँ के साथ करोड़ों भारतवासी है. सभी ओर क्या गूंज उठा है, सभी ओर जय हिंद का नाद गूंज उठा है. भारत के खेत कैसे है, भारत के खेत हरे भरे और सुहाने हैं. भारत माँ के अंदर क्या क्या भरा हुआ है, भारत माँ के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है. सुख संपत्ति धनधाम को माँ कैसे बांट रही है, सुख संपत्ति धनधाम को माँ मुक्त हस्त से बांट रही है. जग का रूप बदलने के लिए कवि किससे निवेदन करते हैं, जग के रूप को बदलने के लिए कवि मातृभूमि से निवेदन करते हैं. जय हिंद का नाद कहाँ कहाँ पर गूंजना चाहिए, जय हिंद का नाद सकल नगर और ग्राम पर गूंजना चाहिए. एल्ला पाठद प्रश्नोत्तरगळिदावे एसएसएलसी हिंदी प्रश्नोत्तर अंत ओंदु प्लेलिस्ट लिंक इदे, अदन्नु ओत्तिद्रे तावु एल्ला पाठगळ क्वेश्चन आन्सर्स गळन्नु विथ कन्नड एक्सप्लेनेशन अल्ली नोडबहुदु. एसएसएलसी पासिंग स्कोरिंग पैकेज 2023 दा ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಲೇಖಕ್ ಚೀಜೆ ಖರೀದ್ನೆ ಕಹಾ ಗಯೆ ಥೆ, ಲೇಖಕ್ ಚೀಜೆ ಖರೀದ್ನೆ ಚೌಕ ಗಯೆ ಥೆ. ಲೇಖಕ್ ಕೋ ಕ್ಯಾ ನಜರ್ ಆಯಾ, ಲೇಖಕ್ ಕೋ ಏಕ್ ದುಕಾನ್ ಪರ್ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚೆ ರಂಗದಾರ್ ಗುಲಾಬಿ ಸೇಬ್ ನಜರ್ ಆಯಾ. ಲೇಖಕ ಜಿ ಕ್ಯೂ ಲಲ್ಚಾ ಉಠಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಏಕ್ ದುಕಾನ್ ಪರ್ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚೆ ರಂಗದಾರ್ ಗುಲಾಬಿ ಸೇಬ್ ದೇಖರ್ ಲೇಖಕ ಜಿ ಲಲ್ಚಾ ಉಠಾ. टोमाटो किसका आवश्यक अंग बन गया है, टोमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है. स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं है, स्वाद में सेब आम से बढ़कर नहीं है. रोज एक सेब खाने से किनकी जरूरत नहीं होगी, रोज एक सेब खाने से डॉक्टरों की जरूरत नहीं होगी. गिल्लू पाठद प्रश्न बनतो, लेखिका ने कोवे को क्यों विचित्र पक्षी कहा है. कोवे एक साथ समादरित अनादरित अति सम्मानित और अति अवमानित होने के कारण लेखिका ने विचित्र पक्षी कहा है. गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था, गिलहरी का बच्चा गमले और दीवार की संधि में चिपक पड़ा था. लेखिका ने गिल्लू के घावों पर क्या लगाया, लेखिका ने गिल्लू के घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया. वर्मा जी गिलहरी को किस नाम से बुलाती थी, वर्मा जी गिलहरी को गिल्लू नाम से बुलाती थी. गिलहरी का लघुघात किसके भीतर बंद रहता था, गिलहरी का लघुघात लिफाफे के भीतर बंद रहता था. गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था, गिलहरी का प्रिय खाद्य काजू था. लेखिका को किस कारण से अस्पताल में रहना पड़ा, मोटर दुर्घटना में आहत होने के कारण लेखिका अस्पताल में रहना पड़ा. गिलहरी गर्मी के दिनों में कहाँ लेट जाता था, गिलहरी गर्मी के दिनों में सुराही पर लेट जाता था. गिलहरियों की जीवनावधि सामान्यतया कितनी होती है, गिलहरियों की जीवनावधि सामान्यतया 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है. गिलहरी की समाधि कहाँ बनाई गई है, गिलहरी की समाधि सोनजूही लता के नीचे बनाई गई है. अभिनव मनुष्य पद्धति प्रश्नोत्तर, आज की दुनिया कैसी है, आज की दुनिया विचित्र और नवीन है. मानव के हुक्मों पर क्या चढ़ता और उतरता है, मानव के हुक्मों पर पवन का ताप चढ़ता और उतरता है. परमाणु किसे देखकर कांपते हैं, परमाणु नर के करों को देखकर कांपते हैं. अभिनव मनुष्य कविता के कवि का नाम क्या है, अभिनव मनुष्य कविता के कवि का नाम श्री रामधारी सिंह दिनकर है. आधुनिक पुरुष ने किस पर विजय प्राप्त की है, आधुनिक पुरुष ने प्रकृति पर विजय प्राप्त की है. नर किन किन को एक समान लांग सकता है, नर नदी पर्वत तथा समुद्र को एक समान लांग सकता है. आज मनुज कयान कहाँ जा रहा है, आज मनुज कयान गगन में जा रहा है. अंत इतने पाठ मेरा बचपन पाठ का प्रश्नोत्तर,
अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ? अब्दुल कलाम जी का जन्म मद्रास राज्य के रामेश्वरम में हुआ। अब्दुल कलाम जी बचपन में किस घर में रहते थे? अब्दुल कलाम जी बचपन में पुश्तैनी घर में रहते थे। अब्दुल कलाम जी के बचपन में दुर्लभ वस्तु क्या थी? अब्दुल कलाम जी के बचपन में दुर्लभ वस्तु पुस्तकें थी। अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई कौन थे? अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई शमसुद्दीन थे। बसंत की सच्चाई पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर, बसंत क्या क्या बेचता था? बसंत छलनी, बटन और दिया सलाई बेचता था। बसंत के भाई का नाम क्या था? बसंत के भाई का नाम प्रताप था। पंडित राजकिशोर क्या काम करते थे? पंडित राजकिशोर लेक्चर देते थे और मजदूरों के नेता थे। छलनी का दाम क्या था? छलनी का दाम सिर्फ 2 आना था। बसंत और प्रताप कहाँ रहते थे? बसंत और प्रताप भीकू अहिर के घर में रहते थे या अहिर टीले में भी रहते थे। बसंत की सच्चाई एकांकी में कितने दृश्य हैं? बसंत की सच्चाई एकांकी में 3 दृश्य। एकांकी का प्रथम दृश्य कहाँ घटता है? एकांकी का प्रथम दृश्य एक बड़े नगर के बाजार के प्रतीक के रूप में स्टेज पर घटता है। बसंत के घर डॉक्टर को कौन ले आता है? बसंत के घर डॉक्टर को अमर सिंह ले आता है। पंडित राजकिशोर के अनुसार बसंत में निहित दुर्लभ कौन सी क्या है? ईमानदारी। पंडित राजकिशोर कहाँ रहते थे? किशनगंज। तुलसीदास मुख को क्या मानते हैं? मुखिया। मुखिया किसके समान होना चाहिए? मुंह के समान। हंस के गुण कैसा होता है? पानी निहित दूध में से केवल शुद्ध दूध का सेवन करना। मुख किसका पालन पोषण करता है? शरीर के अंगों का। दया किसका मूल है? धर्म का। तुलसीदास किस शाखा के कवि है? राम भक्ति। तुलसीदास के माता पिता का नाम क्या था? एस हुलसी और आत्माराम। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? राम बोला। पाप का मूल क्या है? अभिमान। तुलसीदास के अनुसार विपत्ति के साथी कौन है? विद्या, विनय, विवेक। इंटरनेट क्रांति। इंटरनेट का अर्थ क्या है? एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का जाल है। इंटरनेट बैंकिंग से क्या भेज सकते हैं? रकम। प्रगतिशील राष्ट्र किसके द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे? ई गवर्नेंस। समाज के किन किन क्षेत्रों में इंटरनेट का योगदान है? चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष, ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा। इंटरनेट क्रांति का असर किस पर पड़ा है? छोटे बच्चों, यस बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक। ITES का विस्तृत रूप है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेस। ईमानदारों के सम्मेलन में पाठद प्रश्नोत्तर नोड़ोदाद्रे। प्रस्तुत लेखक कहानी के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। लेखक दूसरे दर्जे में क्यों सफर करना चाहते थे? 150 रुपए बचाने के कारण। लेखक की चप्पलें किसने पहनी थी? एक ईमानदार डेलीगेट। स्वागत समिति के मंत्री किसको डांटने लगे? कार्यकर्ताओं को। लेखक पहनने के कपड़े कहाँ दबाकर सोए? सिरहाने। सम्मेलन में लेखक को भाग लेने से किन किन को प्रेरणा मिलती थी? ईमानदार और उदीमान ईमानदारों को। लेखक को कहाँ ठहरा गया? होटल के एक बड़े कमरे में। ब्रीफकेस में क्या था? कागजात। लेखक ने धूप का चश्मा कहाँ रखा था? टेबल पर। तीसरे दिन लेखक के कमरे से क्या गायब हो गया? कंबल। इष्टितो ಒಂದರಿಂದ 9 ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಅನುರೂಪದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು, ವ್ಯಾಕರಣದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಲೈನ್ ಅಪ್ ಇದ್ದಾವೆ. ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀರಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.